इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज समय सीमा के लंबित प्रकरणों की अधिकारी वार विस्तृत समीक्षा की। विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण समय सीमा में करते हुए समय पर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं पाई गई थीं, जिस पर फटकार लगाते हुए कलेक्टर ने कहा कि आम जन को जिले के सरकारी अस्पताल के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सिविल सर्जन लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उन पर कार्रवाई करें और व्यवस्थाएं सुधारें। वहीं प्रशासन के 4 अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पांडुना नगर में ग्राम पार्डी रोड पर साई रेसिडेंस में निवास करने वाली महिला रोड से गुजर रही थी, तभी अज्ञात बाइक सवार द्वारा स्कूटर चला रही महिला के गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली। रोड स्कूल के पीछे बन रहे दुकान श्रृंखला के सामने घटित इस घटना में आरोपी बाइक सवार बड़ी तेजी से भाग गया, जिसकी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह राजपूत एवं अशोक हरसूले द्वारा तेजी से आरोपी के भागने वाले रास्ते की ओर जाने का प्रयास किया गया, परंतु कुछ ही दूरी पर मोड़ होने के कारण आरक्षक की मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिसमें आरक्षक पुष्पेंद्र को कई चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए किए गए प्रयासों पर दोनों आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह एवं अशोक हरसूले की प्रशंसा की गई। पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पांडुर्णा नागपुर रोड पर स्थित श्रीनाथ जिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट में हुई रेसिंग यूनिट में आग लगते ही मजदूर भाग खड़े हुए। आग अत्यधिक तेज थी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों द्वारा प्रेसिंग यूनिट के चारों ओर से, जिसके बाद 1 घंटे की मशक्कत से आग बुझाने में कामयाबी हासिल हुई। मिल नगर के व्यवसाय उदय कुमार भाटिया का है। आग लगने के कारण मिल मालिक को लाखों रुपये का नुकसान होने की जानकारी प्राप्त हुई है। 31 मदिरा समूहों में शामिल छिंदवाड़ा और पांडुर्णा की 117 शराब दुकानों के लिए आज टेंडर खोले गए। जिला आबकारी समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई टेंडर की प्रक्रिया में 18 मदिरा समूहों में टेंडर प्राप्त हुए। इन 18 मदिरा समूहों का आरक्षित मूल्य 195,61,00,000 था, जिसके एवज में शासन को 217,68,00,000 प्राप्त हुए। आज हुई टेंडर की प्रक्रिया में 18 समूहों में कुल 55 टेंडर आए थे। इनमें से सबसे कम 1-1 टेंडर परतला, रामपुर, तांसी और तिगांव मदिरा समूहों में आए, जबकि सबसे ज्यादा 6-6 टेंडर दमुआ, तामिया और सौंसर में प्राप्त हुए। इन 18 मदिरा समूहों में प्राप्त टेंडर में आबकारी विभाग को 195,61,22,480 के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 217,68,44,144 रुपये प्राप्त हुए, जो कि 11.28% अधिक है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है।
संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9998355888 8827420004। नगर पालिका निगम आयुक्त केसी बोबचे ने सोमवार को राजस्व की समीक्षा बैठक ली। बैठक में आयुक्त द्वारा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सभी जोन में वसूली काउंटर खोले रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने वित्तीय वर्ष के अंतिम मास को दृष्टिगत रखते हुए शनिवार को भी वसूली काउंटर शुरू रखने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने बैठक में संपत्ति कर, जल कर, लीज, दुकान किराया वसूली एवं प्रीमियम की राशि की वसूली की समीक्षा की। निगम द्वारा कर भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं एवं करदाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मानसरोवर बस स्टैंड से लेकर खजरी चौक तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हर जगह गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन सड़क पर आवागमन कर रहे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में गड्ढों के कारण हादसे हो चुके हैं। खजरी रोड में स्थित दुकानदारों ने बताया कि आज एक समाज सेवी सड़क पर दिखा और उसके द्वारा गड्ढों को भरा गया। जो काम नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग को करना चाहिए वह काम एक समाज सेवी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य की और समाज सेवी की लोगों ने खूब प्रशंसा की। बस स्टैंड से लेकर खजरी रोड, खजरी चौक तक जो भी गड्ढे थे उन्हें आज समाज सेवी दयानंद चौरसिया द्वारा भरा गया। आए दिन इस गड्ढे से हादसे हो रहे थे, वो हादसे हो सकता अब कम हो जाए। जो काम सरकार या जिला अधिकारियों द्वारा करना चाहिए वो समाज सेवक द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। ये रोड बिल्कुल साफ, सीधी से पहले अच्छी साफ सुथरी थी, कुछ दिनों से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पानी यहाँ आवाजावा के लिए खतरा है। समाज सेवक दयानंद चौरसिया जी ने पूरे अपने हाथ से गड्ढे भर रहे हैं और साफ सुथरा काम करवा रहे हैं। पांडुरना विकास खंड के ग्राम करवार के ग्रामीण युवा मैदान पर कुछ युवक इकट्ठा होकर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी क्रिकेट खेलते खेलते फील्डिंग कर रहा 22 वर्षीय अशोक उइके नीचे गिर पड़ा। खेल रहे युवक एवं ग्रामीणों द्वारा तुरंत उसे सिविल अस्पताल लाया गया, परंतु अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम केसी बोबचे द्वारा विभिन्न विषयों पर जन भागीदारी के सदस्यों से चर्चा की गई। जन भागीदारी के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार रखे। एडीएम द्वारा सभी विषयों को सुनकर उसे अमल करने का आश्वासन दिया गया। वहीं खेलकूद से जुड़ी समस्याओं से भी जन भागीदारी के सदस्यों ने अवगत कराया। जन भागीदारी के सदस्यों ने गेस्ट शिक्षकों के विषय में अपने विचार रखे। एडीएम के बॉक्स के द्वारा सभी जन भागीदारी के गेस्ट शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। गेस्ट टीचर जो जन भागीदारी से कार्यरत हैं उनको 100 रुपये प्रतिमाह प्रतिदिन बढ़ोतरी की जाएगी और ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको भी
₹100 प्रतिदिन के हिसाब से उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। दूसरा मुख्य निर्णय लिया गया कि हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ये जनभागीदार सदस्यों ने कुछ ने कहा कि स्पोर्ट्स का सामान अपनी कॉलेज से बाहर यूज किया जाता है, अपनी लड़कियों को उस पर फ़ायदे कम मिलते हैं, तो कि भाई अपने स्पोर्ट्स का सामान बाहर नहीं जाएगा और बाहर के जो जेंट्स अपनी कॉलेज में आके स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कोई यूज करता है तो उस पर भी जनभागीदारी समिति ने नाराज़गी जाहिर की कि नहीं, ये सारा प्रांगण, सारे स्पोर्ट्स की सुविधाएँ अपनी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। तीसरा ये किया गया कि अपने हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं जिनसे हमने ₹400 महीना किराया लेता है कॉलेज, उसको कम कर दिया जाए ताकि गरीब छात्राओं को फायदा हो, तो अब वो अगले जुलाई से ₹200 लिया जाएगा। लाइनमैन दिवस पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के हर समय अग्रणी भूमिका निभाने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स लाइनमैन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी लाइनमैन को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभियंता वितरण केंद्र सुकरी दुर्गेश कुमार डहरिया, राजेश कुमार साहू, रतनदीप कुमार सिंह, सुरेश आहाके, राकेश कुमार डहरिया, एस के लाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे जो वीर योद्धा है, जो लाइन कर्मचारी हैं, इनको एक मतलब सम्मानित करने का फैसला लिया है, है ना। पहले सम्मानित मतलब काम तो करते थे, योद्धा भी मानते थे, इनको आज सम्मान करने का एक निर्णय लिया है कंपनी के द्वारा। नेशनल लेवल पर भी एक प्रोग्राम किया जा रहा है। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा प्राइज मनी संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन फाइनल मैचेस एवं पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने विजेताओं को पुरस्कार बांटा और शुभकामनाएं दी। इंटरनेशनल भी खेला, ऐसे हमारे जावेद भाई जो लगातार बच्चों को अच्छा कोच करते हैं और साथ में हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयास करते हैं, उनको भी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो खेल में हम लोग छिंदवाड़े वाले हर चीज़ों में आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो खेल में थोड़े पीछे हैं। आप स्टेट खेलो, नेशनल खेलो और इंटरनेशनल खेलो, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ जिला बैडमिंटन संघ के साथियों को बधाई की एक महीने के अंदर दूसरा टूर्नामेंट करें हैं लगातार, या सक्रियता खेल में बना करके रखते हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत। परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा जुन्नारदेव मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें सभी यात्री वाहनों सहित अन्य छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की गई। वाहनों की चेकिंग के दौरान चालानी कार्रवाई करते हुए 14 वाहनों से लिया गया ₹2200 का जुर्माना।